दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में राशिद वेंदर दोषी और ऋषभ पंत की लड़ाई हो गई, जिसके बाद ऋषभ पंत अपना आपा खो बैठे और तेज शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट थमा बैठे। दोस्तों यह बात भारत की बल्लेबाजी के 39वें ओवर की है, जब कगिसोर बाडा गेंदबाजी कर रहे थे और दोषी और ऋषभ पंत बैटिंग क्रीज पर थे। दोस्तों जब ऋषभ पंत बैटिंग एंड पर थे तो राशिद वेंदर दोषी, जिनका की कल ऋषभ पंत ने कैच नहीं पकड़ा था फिर भी उन्हें आउट दिया गया, तो वह बार बार ऋषभ पंत के पास जाकर अपने विकेट को कोस रहे थे। उनकी बातों को सुनकर ऋषभ पंत अपना आपा खो बैठे और उनसे कहने लगे कीप योर माउथ शट। ऋषभ पंत ने गुस्से में आकर बाडा की अगली गेंद पर छक्का मारने की कोशिश की, जिसके बाद वह कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ी उन पर मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए।